बस में नहीं है, हम जहाज में आए हैं। पार्थिव भाई बस में देख के बच के रहना, इसका हाथ बहुत भारी है। वाइफ को नहीं मिस करते हैं? देखिए जी, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वाइफ को ही मिस करते हैं। मैं ज्यादा यकीन करें कि हसन इधर ही कनाडा है, सबसे पहले मेरी वाइफ को। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब इस वक्त मौजूद हैं श्रीलंका में टेस्ट सीरीज के लिए, और आज बकरा ईद है। हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बकरा ईद मुबारक हो। सो हम घर में तो मनाते हैं बकरा ईद, आज हम श्रीलंका में हैं तो हम इनसे अपने साथियों से बात करेंगे वो किस तरह जो है ईद सेलिब्रेट करते हैं पाकिस्तान में, और मिस भी कर रहे होंगे। मैं भी मिस कर रहा हूँ, ये सब भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो आइए बात करें, सबसे पहले हम पूछते हैं नवाज से। नवाज कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूं। कैसी जर्नी रही, कैसा ट्रैवल रहा आपका? जर्नी थोड़ा लंबा था, बट ये था कि थोड़ा अब बेटर हो गए हैं। तो आपको तो पता नहीं चला, आप तो सोते हुए आए हैं। जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई है दुबई तक सोता हुआ आया हूँ, फिर उसके बाद जब दुबई से माले तक फिर मैं सोता हुआ आया हूँ, तो आई वॉज फीलिंग फ्रेश। ईद कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं घर में जब होते हैं? घर में जब होते हैं फादी भी बस सुबह नमाज पढ़ के फिर आते हैं, पेरेंट्स को ईद मिलते हैं, उसके बाद फिर जो फैमिलीज के बड़े होते हैं उनके पास जाते हैं, फिर आके तकरीबन सो जाते हैं। कुर्बानी, ये बकरा ईद की बात हो रही है, छोटी ईद की बात नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल नहीं देख सकता, जब ऐसे खड़ा होकर नहीं देख सकता, मुझे कुछ होता है तो बैठ के देखते हैं। अब्बू जो हैं तो वो सारा करते हैं हैंडल। अच्छा। और उसके बाद बड़ों को मिल के फिर आके सो जाते हैं, और फिर शाम का जो टाइम होता है वो फ्रेंड्स के लिए होता है और उनके साथ टाइम स्पेंड। यहाँ पर आए हुए हैं और वो चीजें मिस हो रही हैं कि जी उधर नहीं हूं मैं, क्यों नहीं, बट ये है कि अब तो काफी ईदें ऐसी गुजर चुकी हैं ऑन नेशनल ड्यूटी, तो ऐसा अब लगता नहीं है कि ईद घर से बाहर गुजरे। सॉरी, ये भी एक फैमिली है हमारी, जो टीम है हमारी, बहुत टाइम हमने स्पेंड कर लिया इकट्ठे, तो और ईदें भी काफी स्पेंड की हैं बाहर, तो अब वैसे ही नॉर्मल लगता है सब कुछ। जी राणा साहब, आप बताइए कैसा रहा आपका ट्रैवल? ट्रैवल फादी भाई बस में, तो दुबई तक सोए। बस में नहीं है, हम जहाज में आए हैं। फादी भाई बस में, जहाज में आए यार। हाँ, ये मैं भूल गया था, क्या कल हमने एक बंदे को बोला है क्या कि हम लोग इतनी देर टाइम में इधर पहुंचे और हम भाई रोड आए, कहते सच में। मैं सिर्फ मैंने जो है ना वो दुबई तक नींद थोड़ी सी पूरी की थी जो 2-3 घंटे की, उसके बाद मैं नहीं था सोया। मैं ये था कि मैं मूवी देख रहा हूँ, मैंने कहा रात को जल्दी सो जाऊंगा ना, टीम सही रहेगी। फिर मैंने देखा आप ऐसे कम सोते हैं वैसे ट्रैवल में, ताकि ना आगे ऐसी चीजें या आप सोना आपको पसंद नहीं है? नहीं, सोना पसंद है, आगे जाके सो जाऊं ताकि रूटीन सही रहे। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छी बात है। खैर, तो ईद कैसे मनाते हैं, क्या लेके आते हैं, जानवर किस तरह सेलिब्रेट करते हैं उस दिन को आप? फादी भाई जानवर मेरी तो ड्यूटी नहीं होती, बड़े भाई की ड्यूटी होती है, लाड़ो ड्यूटी। हम डरते बहुत है ना, हम लोग दूर दूर से हाथ लगाते हैं, घर वाले भी डरते हैं कि यार ठगा भी। ये तो है। तो बड़े भाई की ड्यूटी होती है, अब्बू उसको ही कहते हैं, बल्कि मैं खुद अभी देखने जाता रहा जानवर लेने के लिए, तो अब्बू जो थे बड़े भाई को भेजते जाए इसके साथ जाके देख के आ, ये अकेला ना जाए। तो एक तो हमारे तो अलहमदिल्ला घर का भी है, बड़ा जानवर घर का है, बाकी जो बकरे हैं वो बाहर से खरीदे हैं, तो लेकिन ये है कि करेंगे वो खुद ही, लेकिन अगर मैं वहाँ पे हूँ अब्बू मेरे से जरूर करवाते हैं, एक आधे पे छुरी फेरते हैं आप? हाँ। तो मजे से फेरते हैं, डर डर के? नहीं नहीं नहीं, मैं मुझे तो हमारे जो मौलवी साहब हैं वो भी कहते हैं कि तेरा हाथ बड़ा भारी है, अभी मैं आया था तो तब भी की थी कुर्बानी, नहीं थी वैसे सदके का था, देख के बच के रहना, इसका हाथ बहुत भारी है, सदके का था। तो उन्होंने बोला था कि ये तूने क्या किया, उसने तो बेचारे ने चीख भी नहीं मारी, तो फिर कसाई ने कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज होती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तो मिस कर रहे हो? मिस तो करते हैं कि आप जाहिर है, जो उधर की जो फीलिंग्स होती हैं और जो उधर का जो नज़ारा होता है जब कुर्बानियाँ हो रही होती हैं, मिलना मिलाना घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से, तो उसको तो बंदा मिस करता है। हाँ जी, जैसे नवाज ने बोला ये भी हमारी फैमिली, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो माँ बाप की जगह ना इंसान उनको ज़रूर मिस करता है, जहाँ चाहे जहाँ पर भी हो, चाहे आप भाइयों के साथ भी मना रहे हो ना, लेकिन माँ बाप के साथ जो है ना आप वो ज़रूर मिस करते हैं। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये है, देखें हम लोग कितना मिस करते हैं अपने माँ बाप को, तो आप लोग के जिन जिन के माँ बाप हैं हयात, तो उनको इस चीज़ का जो है फील कराएं कि वो वाइफ को नहीं मिस करते हैं। देखिए जी,
कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वाइफ को ही मिस करते हैं, मैं भी इनके पास आऊंगा, ये जो इन्होंने वाइफ का छेड़ा है, तो अब ये तो फिर कहानी जरा लंबी जाएगी, क्योंकि दरवाजा इन्होंने ही खोलना है, हम सबको अंदर बुलाना है, डील हुई है एक तार। तो खैर, कहने की बात ये है कि जिन जिनके माँ बाप हयात हैं जी, उनकी खिदमत करें, और जब ईद होती है उनको भी स्पेशल फील कराएं, क्योंकि वो लोग भी इसी चीज़ का इंतजार करते हैं, अपने औलाद का इंतजार करते हैं, वो आए हमारे साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि हम इस टाइम बहुत मिस कर रहे हैं अपने माँ बाप को। सो उनको ज़रूर स्पेशल फील करें, उनके साथ जाके जो है इंजॉय करें ईद को। खैर, जो हमारे भाई ने बोला था, हसन अली साहब ने, क्योंकि अभी आपने देखा कि बहुत ही सीरियस टॉक हुई, अब जितनी भी टॉक होगी तो वो सब आपके सामने होगी। जी हसन अली साहब, अब आप बताएं आपकी जो जर्नी थी, कैसे आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि गोश्त कम खाइएगा। मैंने कहा मैं सोचा यकीन करें कि हसन इधर ही कनाडा, सबसे पहले मेरी वाइफ को इसने ये कह रहा था, ये तो कर, वो मैंने कर दी, गोश्त कम खाना, और ये भी कह रहा होगा ना साथ साथ गोश्त भी कम। नहीं, वो मैंने कर दी पहले करके, हम सबसे बहुत आ गए, हमने कहा सुबह सुबह हम डायरेक्ट इधर आ गए हैं ना, हमने कहा चलो आ जाओ भाई, किधर पहले ये कर लो, इसने पहले ही कर दिया स्पोर्ट के, हमें तो इतना टाइम नहीं मिला। ये भाई नेक्स्ट लेवल, रोजर सर, रोजर नेक्स्ट लेवल है, मेन टॉपिक पे है यार, तो मेन टॉपिक ही था तुम्हारे लिए, तो तुमने कवर कर लिया, ईद कवर हो गई भाभी की, जब भाभी ने ये देखना है मेरी ईद कवर हो गई। तो खैर आप बताएं कैसे करते हैं, कैसा पहले तो बताएं ट्रैवल कैसा रहा, क्योंकि अब तक जो जर्नी चल रही है कैसी जा रही है? जबरदस्त भाभी पे ट्रैवल अच्छा रहा है, और सो के भी गुजारा है, मूवी देख के भी गुजारा है, कुछ बातें भी की है, बल्कि आप मेरे नेबर भी थे, आप तो वाई फाई पे लगे हुए थे, वो मैं देख रहा था घर पे, तो बस जो है वो मिक्स करके गुजार लिया है। So, ईद का बताएं, ईद को बताएं कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या लेके आए हैं, कितना मिस कर रहे हैं भाभी को? देखिए ऑब्वियसली फैमिली जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और फैमिली के साथ ईद मनाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अब तो मेरी बेटी भी है और ऑन फैमिली है, फिर अम्मी अब्बू हैं, भाई बहन है, सब सब हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आने से पहले मैं खुद जो है वो गाय खरीद के आया हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुर्बानी का जानवर जो है वो खुद खरीदूँ, खुद देखूँ, और उसके अलावा मेरे ख्याल से अबू लोगों ने बकरे भी लिए हैं, तो ऐसे ही होता है फादी भाई, ईद की नमाज़ पढ़ के आप कुर्बानी करते हैं, फिर घर में गेट टुगेदर होता है, खाना शाना बनता है, और मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो ईद सो के गुजरती है कुर्बानी करने के बाद, क्योंकि आप पहली एक नाइट जो है वो तैयारियों में लगे रहते हैं, और फिर हम लोगों को एज ए मुस्लिम बहुत जो है वो इंतज़ार रहता है, खुशी होती है कि जी ईद आने वाली है, हमारा ये त्यौहार है, तो उसको अच्छे तरीके से मनाते हैं, बहुत सब टाइम ऐसे जो है वो सो के गुजरता है, पहले ईदी लेते थे अब ईदी देते हैं। ये बात तो है, जब से ईदी देने का जमाना आ गया तो बड़े मुश्किल में आ गए। तो खैर उधर तो चले, अब ईद हम लोग मिस कर ही रहे हैं, लेकिन आज की ईद के क्या प्लान्स हैं हम सब के, आपने क्या क्या प्लान्स बनाए हुए कि आज क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, कितना सेलिब्रेट? अभी जो है बस वो निकल रहे हैं, हमारा मैच है सेलिब्रेट करेंगे टाइम है यार, लेकिन उधर तो हम सो के गुजारते थे ना पूरे दिन, इधर खेल के गुजारेंगे, उसके बाद जब शाम में जब आउटिंग के लिए जाते उसके लिए मैं हाँ, तो जब शाम में वापस आएंगे सारे थके होएंगे, उसके बाद हमारा ये प्लान होगा कि रोटी खा के फिर सो जाएंगे, सुबह फिर उठना, अगले दिन सुबह फिर उठना। देख लीजिए हम तो ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को, और आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोग ईद को उस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, हम लोग भी बहुत लकी हैं क्योंकि हम अपने जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करने आए हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़े ऑनर की बात होती है। जब हम खेलना शुरू करते हैं तो हम इसी चीज़ के लिए खेलना शुरू करते हैं कि हम अपनी कंट्री के को रिप्रेजेंट करें, तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है ये हम सब के लिए, और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई आप बताया कि आपने तो बताया नहीं आप अपनी ईद कैसे गुजार, मैं अपनी ईद देखें आप लोगों से बातें करके गुजार रहा हूँ, और गुजार रहा तो घर में भी यही करता हूँ मैं बातें करके गुजार रहा हूँ, मेरी ईद भी सेम ऐसी गुजरती है जी, सुबह उठते हैं और उठ के नमाज पढ़ी, हम फिर अम्मी भी बैठी हुई होती हैं, फिर आके थोड़े बहुत सेवैयां वगैरह जो खाते हैं हम लोग वो खाएं, ईद मुबारक किया, और फिर बस जैसे आप लोगों ने कहा जो है जानवर कुर्बानी होती है, थोड़ी देर के लिए नीचे गया बस देखा, क्योंकि मुझे भी जो है ना थोड़ा अजीब सा लगता है जब खून वून हो रहा होता है, तो मैं भी बस देख के बस ऊपर आया, तो फिर अब्बू छोटे भाई बड़ा भाई वो लगा हुआ होता है, वो सब काम कर रहे थे, मैं अम्मी के साथ ऊपर बस बैठ के ना सब कर रहे होते, जब गोश्त ऊपर आता है, इंटरनेशनल प्लेयर हो गए ना ये हमें थोड़ा सा वो देते हैं कि हाँ ये बात है थोड़ा सा चल गया कर ले कर ले, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ही देते हैं, बाकी भी पूरा काम खुद करवा लेते हैं ना, उनको पता है जो मेन काम होता है, देखो वो तो कसाई कर रहे होते हैं सब, जो भी कसाई कर रहे खाल वाला की और फिर गोश्त और काट के दे दिया, उनका काम क्या है वो लेके आना होता है सिर्फ, वो भी लिफ्ट में लेके आए दे दिया, असल काम तो वो हिस्से करना है, तो वो तो हम बैठ के कर रहे होते हैं ना सारे, अम्मी के साथ मिलके बहनों के साथ बेगम के साथ मिलके हम हिस्से कर रहे होते हैं, तो वो मुश्किल काम है, लेकिन हाँ ये एज हमें जरूर मिलता है,
तो इसका भी शुक्रिया उन लोगों को भी मेरे ख्याल से हम सबको करना चाहिए कि वो हमें इतना एज दे देते हैं कि हमें रस मिल जाता थोड़ा सा। तो मेरी भी ईद ऐसी कटती है और होपफुली आज का दिन भी हम इंशाल्लाह, अब वो भी एक फैमिली है जैसे नवाज ने बोला, ये हम भी एक फैमिली है, तो हम भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से गुजारेंगे ग्राउंड में, हैं धूप में, गर्मी में, विद यू, कीप प्लेइंग अराउंड गाइस, बिल्कुल इनके इर्द गिर्द हम खेलते रहेंगे। हसन अली ने जो है एक लफ्ज निकाला है, कीप प्लेइंग अराउंड, तो हम इनके अराउंड खेलेंगे इंशाल्लाह बकरा ईद में। तो आप सबका शुक्रिया जी, आप सबका शुक्रिया जी, और आप लोग अपनी ईद इंजॉय करें, हम भी अपनी ईद इंशाल्लाह इधर इंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच, हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।